मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम श्रीलंका के देवड़ीपाड़ा इलाके में, जहां पे आज सुबह 5 बजे के आसपास, ये जो आप मेरे पास जो यहां पे जो गड्ढा देख रहे हैं, यहां पे एक फोर व्हीलर गाड़ी थी जिसमें 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा था कि वो ओला गाड़ी थी जो सुबह में यहाँ से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उनको यहाँ पर ये गड्ढा नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो ओला गाड़ी पूरी इसके अंदर धंस गई। और उसमें से ज़्यादा उनको तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइवर था उसको कुछ मामूली सी चोटें आई है। इससे पहले भी यहाँ पे एक हफ्ता पहले इसी इलाके में यहाँ पे एक डंपर घुस गया था और काफ़ी देर के बाद उसको भी निकाला गया था। अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो रास्ता है यहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार चलता रहता है, उसके बावजूद भी आज अब तक 10 दिन हो गया ये गड्ढा अभी तक खुला हुआ है। आखिर क्या वजह है कि ये गड्ढे को बनाया नहीं जा रहा है? अभी इसके आसपास में आप देखें तो बड़ी बड़ी यहाँ पे आलीशान बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो TMC की इमारतें यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमारतें हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सर्विस रोड है वो काफ़ी खस्ता हाल में है। तो इसी ताल्लुक से हम यहाँ के जो मुकामी जो समाज सेवक है रेहान पीतलवाला से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसको यहाँ पर बनाया नहीं जा रहा है, और अगर इसको बनाया जाए तो इसको कब तक इसको कम्प्लीट किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो आने जाने को जो लोगों का, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे अंदर एक बहुत गुंजान आबादी अंदर है और यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर अक्सर यहाँ पे अंदर आती जाती रहती है, लोगों का आना जाना है, बाज़ार के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। तो इसी के लिए अगर यहाँ पे इसको बनाया जाएगा तो उनको आने जाने के लिए और कई दूसरा रास्ता उनको किस तरीके की सहूलत देंगी, इसी ताल्लुक से यहाँ अगर समाज सेवक रेहान पीतलवाला से बात करते हैं कि उस मामले को लेकर और जो हादसा आज हुआ उसको लेकर उनका क्या कहना है। का मेरा नाम दस्तगीर। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर सुबह? गाड़ी आई इधर, नीचे गिर गई। अच्छा, किधर से आ रही थी गाड़ी? इधर से आ रही थी तो अंदर गिर गई। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 3-4 लोग थे। अच्छा, कि चोट वोट कुछ लगी? उतना नहीं, मैं चले गया, मैं अपने काम से जा रहा था दिल्ली सुबह सुबह काम के लिए। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को भी अभी तक ये गड्ढा है ना, कब से खुला पड़ा है ये गड्ढा? तो अभी सलाब डाले थे लोग पहला, फिर सलाब तो बारिश की वजह से सलाब तोड़ दिए, कचरा वचरा सब जाता है पानी जाने के लिए, तोड़ दिया था तो बैठ गया। हाँ, ऐसा भी पानी जाने के लिए खोल दिए, तोड़ दिए थे वापस। इससे पहले भी इसमें एक गाड़ी मिली थी। हाँ, तो क्या उसके बाद में वो आज रात गिरा था ना? हाँ, फोर व्हीलर ही गिरा था ना। दमदारा कैसे गिरा हुआ था? हाँ, ऐसा ऐसा क्या नाम है? और मेरा गुलजार अंसारी। अच्छा, यहाँ पर क्या सुबह में हादसा क्या हुआ? और फोर व्हीलर आया वहाँ से रब में आ रही। ओके, कैसे पूरा हादसा कैसे हुआ था वो बताइए। ऐसे गिरा था। अच्छा, किधर से आ रहा था? इधर से, इधर से। अच्छा, यहाँ से आ रहा था। हाँ, कितने बजे हुआ था? बोले 5 बजे हुआ। 5 बजे कितने लोग थे उसमें? 4 था। किसी को चोट वगैरह नहीं? कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अच्छा होता था बचता थोड़ी हो। अच्छा, ये गड्ढा कैसे हुआ था? वो बड़ा गाड़ी आया था ना, बड़ा गाड़ी। हाँ, डंपर, उससे हुआ था। कितने दिन हुआ बड़े गाड़ी को गिरे? ये हो गया 3-4 दिन हुआ। तब से ये बना नहीं? नहीं, अभी नहीं बना, काम चालू होगा। इसको असल में ये एक ही रोड है और इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए JCP और पूरा तोड़ने वाला मशीन आ चुका है इसको। ये कलवट था पुराना, तकरीबन 15 से 20 साल पुराना, तो इसको पूरा तोड़ के ये पूरा नया बनाया जाएगा। यानी अभी इसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, और जो कि एक बार वो टूट चुका है तो उसकी वजह से अब ये पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो अब इसको ये पूरे कलवट को, जो बिस्मिल्ला टावर परिसर है उससे लेके ये बाईपास तक के ये पूरा कलवट आज से तोड़ के इसको पूरा इंशाल्लाह नया बनाया जाएगा। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं हो सकती। हमने बहुत कोशिश की है, ये क्योंकि पुराना था, ये तकरीबन 15-20 साल पुराना कलवट था, रिपेयर करने की हमने इसको बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद इसके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी और वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको अब पूरा तोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्ला टावर के गेट से लेके पूरा कलवट तकरीबन यहाँ से ये 20 से 25 फीट होगा, और ये बाईपास सर्विस रोड के जंक्शन तक के ये पूरा तोड़ के पूरा नया बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या था, बैरिकेडिंग करी हुई थी, अब न जाने अल्लाह बेहतर जानता है कार उसके अंदर कैसी चली गई। लोग तो बता रहे बैरिकेडिंग भी आज लगाया गया है। बैरिकेडिंग भाई, जब कार चली जाएगी तो बैरिकेडिंग कैसा रहेगी ना? वीडियो का जो वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, वो चारों एंगल से निकाला है सोशल मीडिया में जो भाई, ऐसा कि ये बैरिकेडिंग है, अगर इसको लेके कोई गाड़ी चली जाएगी अंदर तब तो नहीं रहेगा। मेरे पास कल का फोटो है, परसों का फोटो है बैरिकेडिंग के साथ का, मैं आपको बता सकता हूँ। खैर, वो अभी इसको सबसे अहमियत वाला काम ये है कि इसके अंदर हमारे को पूरा तोड़ के इसको वहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ के नया हमको पूरा कलवट बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग आज से इसका काम शुरू कर रहे हैं, और तकरीबन ये काम बड़ा काम है, इसके थोड़ा टाइम जाएगा, तो तकरीबन इसके अंदर 1 महीने से 25 दिन का टाइम जाएगा, क्योंकि इसको पूरा कलवट को तोड़ना है और रिपीट नया कलवट बना के लेना है। इंशाल्लाह स्ट्रीट लाइट तो देखिए आप यहाँ से देखिए, ज़रा भाई बताना, ये देखिए सामने स्ट्रीट लाइट उधर लगी हुई है,
स्ट्रीट लाइट है और वो चालू भी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह ये बड़ा रोड है और हमारे पास दूसरा सर्विस रोड का ऑप्शन है, तो इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से हमको ये रोड बंद करना पड़ेगा। नहीं है, एक ही पास ऑप्शन है हमारे पास कि जो हमारा का दूसरा सर्विस रोड है हमको तुरंत उसको स्टार्ट करना पड़ेगा और ये रास्ता हमको बंद करना पड़ेगा। एक हमारे पास ये सर्विस रोड है, तो जिनको यहाँ पर आना है यानी रशीद कंपाउंड जाना है, रशीद कंपाउंड परिसर में, तो वो ये सर्विस रोड से इस तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास रोड के उस तरफ भी एक सर्विस रोड है, उसको अभी हम चालू कर लेंगे इंशाल्लाह, और जो देवरीपाड़ा परिसर में लोग जाएंगे वो मास होटल की तरफ से जा सकते हैं।